हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट में साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर मृदा, उसी में ही हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो उसमें जो है, इसके पहले हम चार क्वेश्चंस, यानी चार या पांच क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको बताया हुआ था मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, कारण को भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि जो अजैव विघटित पदार्थ हैं या अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, जैसे आपके प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकोल, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि जो है कई कई वर्षों तक मिट्टी में दबे रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी हमारी प्रदूषित होती है। तो उसी ऐसा कुछ पीछे पड़े हुए थे, तो उसी क्रम में आज हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न है आज आपका 6, मृदा प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए दो उपाय लिखिए। यानी जो मृदा प्रदूषित हो रही है, जो हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, उसको कैसे हम रोकेंगे, उसके क्या समाधान हैं, उसके हमें उपाय बताने हैं। उपाय तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर हमें दो ही पढ़ने हैं, लेकिन हम और भी जानेंगे। देखिए, पहला है ठोस अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा करकट के संग्रहण को उपचारित करके ही मृदा तक जाने देना चाहिए। यानी आपके घरों में बहुत प्रकार के जो है, अनेक प्रकार के अपशिष्ट ठोस होते हैं जो कई वर्षों तक मृदा में नहीं गलते हैं। जैसे आपको बताया अभी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल, चीनी मिट्टी के बहुत सारे टूटे हुए बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय तक या पूर्ण रूप से गलती ही नहीं है, विघटित ही नहीं होती हैं, जिसके कारण ये मृदा को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। और हमें इन सब चीज़ों को, ठोस अपशिष्टों को, ऐसे कूड़ा करकट को जो कभी नहीं विघटित होता है, उसको मृदा में जाने से पहले उसको उपचारित करना चाहिए। यानी शोधक यंत्रों के द्वारा उनका शोधन करना चाहिए और शोधन करके ही, उपचारित करके ही पूर्ण रूप से उनको मृदा में ले जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, कृषि में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग उचित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। आपको पता है, किसान लोग अपनी कृषि में अच्छी उपज के लिए, अच्छी पैदावार के लिए वो रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। खरपतवार नाशक को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सीधे तौर पर हमारी मृदा को प्रभावित करती है। यानी मृदा में अत्यधिक जब हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी मृदा जो है उर्वर या बंजर भी हो जाती है। यानी मृदा हमारी प्रभावित ही होती है, प्रदूषित ही होती है। तो मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कृषि में जो उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, जिनका खरपतवार नाशक हैं, इनका प्रयोग जो है एक समुचित मात्रा में ही करना चाहिए। यानी जितनी आवश्यकता हो उतना करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक मात्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थे आपके दो यहाँ पर समाधान के उपाय हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है मृदा प्रदूषण को बचाने के लिए कई सारे उपाय हैं, जैसे आप उनको भी थोड़ा समझ लो, पढ़ लो। क्या होता है कि जो हमारी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार का जो दूषित कचरा है, ठोस अपशिष्ट है, वो सीवेज पाइपलाइन के माध्यम से, यानी जो गंदा जल बहता हुआ आ रहा है, गर्म जल बहता हुआ आ रहा है, उस गर्म जल में अनेक ठोस अपशिष्ट बहते हुए जो है नदियों और नालों में पहुंचते हैं, और नदियों, नालों और नहरों के माध्यम से वही दूषित जल खेतों में पहुंचता है, और जिससे क्या होता है कि जो ठोस अपशिष्ट के छोटे छोटे कण हैं वो मृदा में पहुंचते हैं, जिसके कारण, यानी सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी घुमा फिरा करके फैक्ट्रियों और कंपनियों के जो ठोस अपशिष्ट हैं
वो मृदा तक पहुँचते हैं, जिसके कारण मृदा हमारी क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो नदियों और नहरों का जो जल है, नदियों और नहरों के जल में फैक्ट्रियों से आने वाला जो सीवेज पाइपलाइन के द्वारा यानी वाहित मल है, उस वाहित मल को जाने से रोकना चाहिए। यानी कंपनियों और फैक्ट्रियों में उस वाहित मल को पहले संयंत्रों के माध्यम से जो है शोधित करना चाहिए, शोधित करने के बाद ही नहरों और नदियों में गिराना चाहिए। इसके अतिरिक्त मृदा हमारी जो है दोषपूर्ण खेती की प्रक्रिया से भी प्रभावित होती है, जिसमें आपका ये दूसरा पॉइंट आता है, ये दोषपूर्ण खेती की प्रक्रिया में ही है कि हमें अधिकतर दोषपूर्ण खेती से बचना चाहिए। यानी कृषि में जितनी आवश्यकता हो रासायनिक उर्वरकों की, उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए, उतना ही प्रयोग करना चाहिए, और हमें रासायनिक उर्वरक के स्थान पर प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मृदा प्रदूषित नहीं होगी और उससे उत्पादित जो फसलें होंगी वो स्वास्थ्य, अनाज और फल सब्जियां जो होंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होंगे। इसके अतिरिक्त हमें मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अधिक से अधिक वनों का भी प्रयोग करना चाहिए। अधिक वनों से भी मृदा हमारी जो है प्रदूषित होती है, जिससे हम मृदा को अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं। वनों को लगाने से जो वन की जड़ें हैं वो मृदा को जकड़ लेती हैं, जिससे जो है मृदा में अनेक सूक्ष्म कण भी पौधों से मिलते रहते हैं, जिससे और वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो ज़मीन में गिरने से, सूखी पत्तियां, तने, टहनियां गिरने से मृदा जो है हमारी उर्वर होती है। तो इस प्रकार से हम मृदा को अनेक प्रकार और भी कई सारे उपाय हैं प्रयोग करके मृदा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके बाद आज का ही दूसरा प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो आज का सातवां प्रश्न है इस चैप्टर का, यानी दूसरे ही चैप्टर का। अपरदन का मतलब होता है समाप्त होना, मृदा का खत्म होना या नष्ट होना या क्षरण होना। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो यह छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, हवाओं तथा वर्षा द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का घुलना मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए मृदा अपरदन में जो है ऊपर की जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह होती है, जिसे हमने ऊपरी मृदा कहा था, उस ऊपरी सतह में क्या होता है, अनेक प्रकार के ह्यूमस तत्व उपस्थित होते हैं और अनेक प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिससे हमारी उगाई जाने वाली जो फसलें, सब्जियां, अनाज होते हैं वो अच्छे उगते हैं, स्वास्थ्यवर्धक उगते हैं, उनको उचित पोषण प्राप्त होता है मृदा से। परंतु जब मृदा किन्हीं कारणवश, यानी मृदा की जो ऊपर की परत है वो घुल जाती है, खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो क्या होती है, मृदा का क्षरण होने लगता है। जो यानी ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है, जो ऊपर की उपजाऊ परत है, उर्वर परत है, वो खत्म होने लगती है, तो हम उसे मृदा अपरदन कहते हैं। लिखा भी है हवाओं तथा वर्षा द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का घुलना मृदा अपरदन कहलाता है। तो हवाएं और जो वर्षा है ये क्या करती हैं, जो मिट्टी की ऊपर की ह्यूमस वाली परत है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भी पहुंचा देती हैं और उस मिट्टी को गला भी देती है, उस मिट्टी को बहा देती हैं, वर्षा बहा भी देती है और हवा उड़ा भी ले जाती है। यानी कई अन्य अलग अलग तरीकों से भी जो है मृदा हमारी अपरदित होती है, यानी मृदा का क्षरण होता रहता है। तो मृदा के क्षरण का जो है सबसे बड़ा कारण क्या है, कि अधिक से अधिक जो वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई के कारण जो है मृदा का क्षरण, मृदा का अपरदन अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि अधिकतर जो है लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटते जा रहे हैं, और जबकि वन क्या है, हमारे पर्यावरण के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वन यानी पेड़ जो हैं वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ तो बनाते ही हैं, साथ में मिट्टी की में उसकी जो जड़ें हैं उसको जकड़े रहती हैं, जिससे मृदा बरसात में या हवा के माध्यम से
अपर्दित नहीं हो पाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी मृदा जो है, जैसे दोषपूर्ण खेती यहाँ भी लागू होता है। कई जो है किसान क्या करते हैं, मृदा अपरदन में सहयोग करते हैं, यानी दोषपूर्ण खेती का खेती करते हैं जिससे जो है मृदा अपरदन होती है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण हैं मृदा अपरदन के। तो हमें आज का ही प्रश्न था, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो हवाओं तथा वर्षा द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का घुलना मृदा अपरदन कहलाता है। अपरदन से मतलब होता है क्षरण या नष्ट होना, यानी जो मृदा का मतलब है यहाँ पर जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें ह्यूमस या पोषक तत्व या उर्वरा शक्ति विद्यमान होती है जो कि पौधों को पोषण प्रदान करती है। इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। और आज के ये दो प्रश्न हैं आपके साइंस में क्लास सेट में, और इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर फेयर करना।